हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू एसक्यू क्लास। आज हम पढ़ेंगे टोटोमेरिज्म की एसेंशियल कंडीशन के बारे में, यानी कि हम किसी भी मॉलिक्यूल को देख के कैसे कह सकते हैं कि ये टोटोमेरिज्म शो करेगा या फिर नहीं करेगा। तो दो कंडीशन हो सकती है जिसे हम देख के कह सकते हैं कि हाँ, ये वाला मॉलिक्यूल टोटोमेरिज्म शो करेगा ही करेगा, ठीक है ना। वो दोनों कंडीशन पूरी होनी चाहिए। अगर उनमें से एक भी कंडीशन पूरी नहीं होती है तो वो टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे कि वो दो कंडीशन कौन सी है जिसे हम देख के बता सकते हैं कि वो मॉलिक्यूल हमारा टोटोमेरिज्म शो करेगा या फिर नहीं करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं पहली कंडीशन की ओर। पहली कंडीशन है कि उस कंपाउंड के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, वो भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड से अटैच। वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कुछ भी हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है और सल्फर भी हो सकता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमें तीन एग्जांपल दिए गए हैं और इन तीनों एग्जांपल में कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ठीक है ना। तो हमारी पहली कंडीशन थी कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए उस कंपाउंड में, वो भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड से अटैच। तो यहाँ पे ये तीनों के तीनों जो एग्जांपल दे रखे हैं पहली कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली कंडीशन की ओर, यानी कि सेकंड कंडीशन की ओर। दूसरी कंडीशन होती है कि उस कंपाउंड के पास कम से कम एक एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत ज़रूरी है, और वो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए किसके ऊपर, सैचुरेटेड कार्बन के ऊपर। याद रखिए, मैंने आपको सैचुरेटेड कार्बन और अनसैचुरेटेड कार्बन अपने पहले ही लेक्चर में बताया था। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। सैचुरेटेड कार्बन वो कार्बन होते हैं जो कि सिंगल बॉन्ड से अटैच होते हैं, ठीक है ना, और अनसैचुरेटेड कार्बन वो कार्बन होते हैं जो कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होते हैं। सैचुरेटेड कार्बन जानने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप उसका हाइब्रिडाइजेशन देख लें। हमेशा सैचुरेटेड कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 ही आएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं C डबल बॉन्ड O, आपको यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच होता हुआ नज़र आ रहा होगा डबल बॉन्ड से, ठीक है ना। ये वाला कार्बन, इसके जो दो पास वाले कार्बन हैं, ठीक है ना, जिससे ये कार्बन अटैच है उसे हम अल्फा कहते हैं, ठीक है ना, और उसके बाद वाले को बीटा, और अगर उसके बाद वाला भी हुआ तो उसे हम कहेंगे गामा। अल्फा, बीटा, गामा, ठीक है ना। तो मैंने आपको क्या बताया कि दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है कि उस कंपाउंड के पास कम से कम एक एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, और वो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, सैचुरेटेड कार्बन पे प्रेजेंट होना चाहिए। और सैचुरेटेड कार्बन को जानने का सबसे अच्छा तरीका कि उसका हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लिया जाए, या फिर ये देख लिया जाए कि वो क्या सिंगल बॉन्ड से अटैच है या नहीं। तो चलिए एक बार आप इसका हाइब्रिडाइजेशन देख के बताइए। देखिए, ये कार्बन एक बॉन्ड इस कार्बन से बना रहा है और यही वाला कार्बन एक कार्बन इससे बना रहा है, यानी कि दो बॉन्ड तो एक कार्बन से बना रहा है आसपास वाले, और दो बॉन्ड हाइड्रोजन से। टोटल कितने बॉन्ड बना रहा है, टोटल बना रहा है चार बॉन्ड, ठीक है ना। तो बस ट्रिक लगा दीजिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने की, चार बॉन्ड बना रहा है, एक को S मान लीजिए और बाकी तीन को P मान लीजिए, sp3, सिंपल, ठीक है ना। ये मैंने आपको अपने हाइब्रिडाइजेशन वाले वीडियो में ट्रिक बताई हुई है, ठीक है ना। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे, हमें इस वाले कंपाउंड में दिख रहा है कि यहाँ पे दो अल्फा क्या प्रेजेंट है, दो अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है, वो भी सैचुरेटेड कार्बन से क्या अटैच हुए हुए। तो ये वाला हमारा कंपाउंड दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। पहली क्या कंडीशन थी, पहली कंडीशन थी कि उस कंपाउंड के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, वो भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है। दूसरी कंडीशन क्या थी, दूसरी कंडीशन थी कि उस कंपाउंड के पास कम से कम एक एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत ज़रूरी है, वो भी किससे, अल्फा हाइड्रोजन कहाँ प्रेजेंट हो, सैचुरेटेड कार्बन पे, यानी कि sp3 कार्बन पे प्रेजेंट हो। अगर वो sp2 या sp कार्बन पे प्रेजेंट है तो वो अनसैचुरेटेड माना जाएगा, क्योंकि वो डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो जाते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। तो आप इस कंपाउंड में देख सकते हैं कि ये कंपाउंड दोनों की दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, ठीक है ना।
जिसकी वजह से हम एकदम देख के बता सकते हैं कि अरे हाँ, ये कंपाउंड हमारा टोटोमेरिज्म शो कर सकता है। ऐसे ही आप यहाँ और यहाँ देख सकते हैं कि इस कंपाउंड के पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो भी डबल बोन से अटैच, ठीक है ना। ये इस वाले को हम क्या मानते हैं, अल्फा, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि C6H5 हमारी बेंजीन रिंग होती है। क्या होती है? बेंजीन रिंग, याद रखिएगा। और बेंजीन रिंग के हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, यानी कि अनसैचुरेटेड होते हैं, उनके बीच में डबल बॉन्ड होता है, रिंग प्रेजेंट होती है। इसलिए इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन, कोई अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है ना, ठीक है ना। इधर मैं इधर की बात कर रहा हूँ। लेकिन अब अगर हम इसी कंपाउंड के राइट वाले की बात करें, राइट वाले की बात करते हैं, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है कि एक कार्बन अटैच है और वो कार्बन सैचुरेटेड कार्बन है, हमने देखा। फिर हमने दूसरी बात देखी कि वो कार्बन जो सैचुरेटेड कार्बन है उस पर अल्फा हाइड्रोजन भी प्रजेंट है, ठीक है ना। और अगर हमें और अच्छी तरह तसल्ली कर रही है तो हम इस कार्बन का यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे सी कितने बॉन्ड बना रहा है, 3 तो हाइड्रोजन से और एक इस कार्बन से, टोटली 4 बॉन्ड बना रहा है। तो बस sp3, सिंपल, वेरी सिंपल, ओके ना। तो ये वाला भी क्या कर रहा है, फुलफिल कर रहा है दोनों कंडीशन को, ठीक है ना, ओके। इसके पास क्या है, इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो भी डबल बॉन्ड से अटैच हुआ और एक अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन है, ठीक है ना, एक अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन है इसके यहाँ पे, वो भी सैचुरेटेड कार्बन से अटैच हुआ। वो बात अलग है कि इसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे बेंजीन रिंग लगी हुई है। बेंजीन रिंग क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइज होती है, उसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, जिसकी वजह से उसमें से हाइड्रोजन नहीं निकल पाता, उसके पास हाइड्रोजन नहीं होता उसके पास 1 एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना, याद रखिए। तो इन दोनों ने दोनों कंडीशन पूरी कर ली। अब हम तीसरे की ओर चलते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए, मैंने कहा कि उस कंपाउंड में क्या होना चाहिए, कम से कम उस कंपाउंड में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, वो भी डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से अटैच। तो इसमें देख लेते हैं, इस कंपाउंड में हमारा ऑक्सीजन है, वो भी डबल बॉन्ड से अटैच, ठीक है ना। अब देख लेते हैं इधर, अरे हाँ, यहाँ पे सैचुरेटेड कार्बन भी प्रेजेंट है और सैचुरेटेड कार्बन के पास यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन भी है, ठीक है ना। अब जरा हम राइट साइड देख लेते हैं, राइट साइड में हमें कोई भी कार्बन नज़र नहीं आ रहा। तो 1 एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से जाएगा टोटोमेरिज्म में, यहाँ से निकलेगा, ठीक है ना। तो हाँ, इसने भी दोनों कंडीशन पूरी कर ली है और ये तीनों के तीनों कंपाउंड क्या कर सकते हैं, ये तीनों के तीनों कंपाउंड्स हमें टोटोमेरिज्म शो करके दिखा सकते हैं। ऐसे ही हम किसी भी मॉलिक्यूल को देख के कह सकते हैं कि ये वाला मॉलिक्यूल हमारा टोटोमेरिज्म शो करेगा या फिर नहीं करेगा। अब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल देखते हैं जो टोटोमेरिज्म शो नहीं करते, ताकि आपको और भी अच्छी तरह समझ में आ जाए। अब हम बात करते हैं उस मॉलिक्यूल की जो कि हमारा कीटो-इनोल टोटोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। मैंने आपको बताया कि टोटोमेरिज्म वही मॉलिक्यूल शो कर सकता है जो कि दो कंडीशन को पूरा कर सके। पहली कौन सा, पहली उसके पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, वो भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड से अटैच। और दूसरी कंडीशन मैंने आपको कौन सी बताई, दूसरी कंडीशन मैंने आपको बताई कि उसके पास सैचुरेटेड कार्बन पे 1 एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या इस मॉलिक्यूल में दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है या फिर नहीं। तो चलिए बात करते हैं पहली वाली कंडीशन की कि उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। तो देखिए, उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए, इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, वो भी डबल बॉन्ड से अटैच, ठीक है ना। आप यहाँ पे देख सकते हैं दोनों साइड में ऑक्सीजन है, वो भी डबल बॉन्ड से अटैच, ठीक है ना। पहली कंडीशन पूरी हो गई। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन की कि उसके पास सैचुरेटेड कार्बन पे 1 एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं भाई, ये रहा कार्बन, इसके आसपास को हम अल्फा मानते हैं, ठीक है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया। अब देखिए, अल्फा जो कार्बन है यहाँ पे वो
सैचुरेटेड कार्बन नहीं है, ठीक है ना, वो sp2 है। क्या है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन का। और हमें कौन से हाइब्रिडाइजेशन का चाहिए? sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन का नहीं है तो वहाँ से हमारा क्या नहीं निकल सकता, वहाँ से हमारा 1 एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन नहीं निकल सकता। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये दोनों साइड कार्बन जो लगे हुए हैं, ये लगे हुए हैं हमारे sp2 टाइप, ठीक है ना। पता करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं हम। जो डबल बॉन्ड है इसे S मान लेते हैं और ये जो दो हैं इसे P मान लेते हैं, तो sp2, ठीक है ना, कितना हो गया sp2। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2, इसका देख लेते हैं। यहाँ भी एक कार्बन प्रेजेंट है, इस डबल बॉन्ड को S माना और इन दोनों को क्या माने, P, sp2, ठीक है ना, sp और 2। तो यानी कि यहाँ पे दोनों साइड sp2 कार्बन है, sp3 नहीं है, इसलिए ये हमारा टोटोमेरिज्म शो नहीं कर सकता। अब एक बार इधर की साइड देखते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है वो भी डबल बॉन्ड से, और अब यहाँ दोनों देख लेते हैं, सेम कंडीशन आ जाती है कि यहाँ पे इन दोनों साइड में भी हमारा sp2 कार्बन है ना कि sp3। अगर sp3 होता तो टोटोमेरिज्म हो जाती, लेकिन यहाँ पे sp2 है क्योंकि इसने डबल बॉन्ड बना लिया, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल हमारा क्या नहीं कर सकता, कीटो-इनोल टोटोमेरिज्म शो नहीं कर सकता, याद रखिएगा, ठीक है ना। कीटो-इनोल टोटोमेरिज्म शो करने के लिए मैंने आपको बताया दो कंडीशन का होना बहुत ज़रूरी है। पहली कंडीशन कि उसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए और डबल या ट्रिपल बॉन्ड से अटैच, और दूसरी कंडीशन उसके पास सैचुरेटेड कार्बन पे 1 एसिडिक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। इसने पहली कंडीशन तो पूरी कर ली, लेकिन ये दूसरी कंडीशन पूरी नहीं कर पाया क्योंकि दूसरी कंडीशन में इसके पास सैचुरेटेड कार्बन नहीं था, sp3 कार्बन नहीं था, ठीक है ना। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ चारों इसके पास क्या है, sp2 कार्बन है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे कौन से कार्बन होने चाहिए थे अगर टोटोमेरिज्म करता, ये sp3 है, इसके पास कौन से कार्बन है, sp2 वाले, ठीक है ना। आप देख सकते हैं इसके पास sp2 है। सबसे अच्छी बात है आप उसका हाइब्रिडाइजेशन निकाल के देख लीजिए, ठीक है ना। ये देखिए, ये दोनों कार्बन का हम निकाल के देख लेते हैं। इस वाले डबल बॉन्ड को S माना और इस दोनों को हमने P माना, sp2। इस वाले डबल बॉन्ड को S माना, इन दोनों को हमने P माना, तो sp2, ठीक है ना। चलिए कुछ और एग्जांपल भी देखते हैं जो कीटो-इनोल टोटोमेरिज्म शो नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें दो एग्जांपल दिख रहे हैं, पहला है हमारा बेंजाल्डिहाइड, दूसरा है हमारा बेंजोफिनोन। तो चलिए देखते हैं कि ये हमारी दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। हमारी पहली कंडीशन थी कि उस कंपाउंड के पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं पहले वाले पे, क्या इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो हमें नज़र आता है हाँ इसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से अटैच हुआ हुआ है कार्बन से, ठीक है ना। तो इसने पहली कंडीशन हमारी पूरी कर ली। तो अब देखते हैं दूसरी कंडीशन, क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो भी सैचुरेटेड कार्बन पे, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया जहाँ से इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम डबल बॉन्ड से अटैच होता है उसके दो आस पास वाले कार्बन को हम अल्फा मानते हैं, ठीक है ना। तो इधर देख लेते हैं राइट हैंड साइड, यहाँ पे कोई कार्बन ही प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ से तो टोटोमेरिज्म हो नहीं सकती। अब यहाँ से देख लेते हैं क्या यहाँ पे है, यहाँ पे कार्बन तो प्रेजेंट है लेकिन कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे कार्बन तो प्रेजेंट है लेकिन कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, और जो कार्बन है यहाँ पे वो अनसैचुरेटेड है। कैसा? अनसैचुरेटेड, और sp2 टाइप का है, जबकि कौन सा वाला कार्बन होना चाहिए था, sp3 टाइप का और सैचुरेटेड होना चाहिए था। तो ये हमारा टोटोमेरिज्म शो नहीं कर सकता, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ना तो हाइड्रोजन है और ना ही कार्बन सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड कार्बन है यहाँ पे sp2 टाइप का। कौन से टाइप का? sp2 टाइप, याद रखिए ये एक बेंजीन रिंग है तो यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है, ठीक है ना। ओके अब अगला वाला देख लेते हैं हम, बेंजोफिनोन। वही कंडीशन सेम जो यहाँ पे दिखाई दे रही थी। पहली कंडीशन हम एक बार देख लेते हैं कि इस पे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अटैच है या नहीं है डबल बॉन्ड से और ट्रिपल बॉन्ड से, तो हमें दिख रहा है कि हाँ यहाँ पे अटैच है डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, लेकिन दूसरी कंडीशन को यह सेटिस्फाई नहीं कर पाना जो थी कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए सैचुरेटेड कार्बन पे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे दोनों साइड पे देख सकते हैं कोई भी अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है और ना ही ये सैचुरेटेड कार्बन है, ये अनसैचुरेटेड कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाले, ठीक है ना। अगर यहाँ सैचुरेटेड कार्बन होते वो भी कौन से वाले,
sp3 हाइब्रिडाइजेशन वाले, तभी जाके टोटोमेरिज्म शो हो सकती थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोनों साइड sp2 लगे हुए हैं। हम एक बार चेक कर लेते हैं, एक को s माना और दो को p, sp2, फिर ऐसे ही एक बॉन्ड को s और बाकी दो को p, तो sp2, ठीक है ना, ओके ना। तो ये दोनों हमारे जो कंपाउंड है वो कीटो इनोल टोटोमेरिज्म शो नहीं कर सकते, क्योंकि इनके पास जो कार्बन है, पहली बात वो कौन सा है, वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला है, और यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है ना, इस जगह पे हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि एक कार्बन केवल और केवल चार बॉन्ड ही बना सकता है, और इस कार्बन ने चार बॉन्ड बना रखे हैं, 1, 2, 3, और एक डबल बॉन्ड होता है यहाँ पे 4, ठीक है ना, क्योंकि ये बेंजीन रिंग है, ठीक है ना, क्योंकि ये बेंजीन रिंग है, और बेंजीन रिंग कैसी होती है, कुछ इस टाइप की, ठीक है ना, आप देख पा रहे हो ना, ऐसे ये रहा यहाँ कार्बन, और ये रहा इसका बॉन्ड, तो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, ठीक है ना, तो 4 बॉन्ड इसने वैसे ही बना रखे हैं, अभी कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, और ना ही ये कौन सा कार्बन है, ना ही ये हमारा सैचुरेटेड कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है हमारा, ये हमारा अनसैचुरेटेड कार्बन है sp2 टाइप का, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पे टोटोमेरिज्म शो नहीं कर सकता कीटो इनोल, ओके।